शिवपुरी के पोस्ट ऑफिस में जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं, जिससे जनता परेशान हो रही है। अव्यवस्थाओं के चलते पोस्ट ऑफिस में पिछले कई दिनों से जनता परेशान हो रही है। आधार कार्ड बनवाने को लेकर पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही हैं। आज हालत यह थी कि जनता पोस्ट ऑफिस में मौजूद थी और जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी और बाहर जनता का तांडव मचा था। जब इसके संबंध में मीडिया को पता चला तो मौके पर मीडिया पहुंची। इसके बाद आधार कार्ड बनना शुरू किया गया। आधार सेवा केंद्र की मनमानी के संबंध में इससे पहले भी शहर के युवा व्यवसायी गौरव भुगरा ने एक मुहिम चलाई और लोगों को परेशान होता देख शिवपुरी डीएम और UIDAI को एक लेटर लिखा, जिसके बाद शिवपुरी शहर के आधार केंद्रों द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा था, उससे निजात मिली। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हमको भैया 4 घंटे हो गए। 4 घंटे कितने बजे से बैठे? भैया 9 बजे। 9 बजे का आप कितने बजे? 6 बजे से। टोकन बटा नहीं बटा मार लिया। 6 बजे से बग्गी मैडम कब लिया आपने टोकन? कब लिया? भाई दिया था मैडम ने और नंबर आ गया तो मैडम बग्गी। क्या नाम? क्या? फरीदाकर। कहाँ पर रहते हो बेटा? शुपरी में। तो क्या आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हो? कितनी देर से यहाँ पर खड़े हो? सुबह 7 बजे के। अभी तक नहीं बना? यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आधार का क्या किया जा रहा है? और कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है। उस तरफ क्या हो रहा है? हाँ बनना है उस तरफ आधार। एक भी आधार कार्ड नहीं बना उस तरफ, सिर्फ सुबह से 4 आधार कार्ड बनी हुए हैं। आप ये इनको बाहर खड़ा होकर क्यों यहाँ पे बना रहे हैं? और कोई व्यवस्था नहीं है? और कोई व्यवस्था नहीं है क्या? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।